तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ हेयर स्पा। अभी देख रहे हो मेरा हेयर कैसे शाइन कर रहा है, तो मैं आज की हूँ हेयर स्पा। तो उसका पूरा डिटेल्स वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, पूरा घर पे बना हुआ है, एकदम 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल, मैं ओशिनी का यूज कर रही हूँ, आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते। सेकंड एलोवेरा जेल, मैं यहाँ पे योगी का हर्बल एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, आप आपके हेयर के अकॉर्डिंग ले लेना। थर्ड कंडीशनर, मेरे पास OGX का चारकोल डिटॉक्स कंडीशनर था तो मैं यही यूज किया। फोर्थ है एक, अब ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि एक का स्मेल बहुत लोगों को नहीं पसंद है, और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बस वाइट वाला पार्ट यूज़ करें, येलो वाला पार्ट नहीं। फिफ्थ विटामिन ई कैप्सूल, तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल यूज़ किया, तो 2 विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करूँगी। आप जितने टेबलस्पून एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे उतने टेबलस्पून आपको विटामिन ई कैप्सूल लेना है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby. बहुत टाइम तक यूज करने के बाद कुछ ऐसे टेक्सचर का एक पेस्ट रेडी होगा। अब आपके बाल का मिडिल पार्टीशन करके बहुत अच्छे से कम कर लेना है। पहले एक साइड को मैं क्लिप से अटैच कर दूंगी, अब दूसरे साइड पे ये जो पेस्ट है इसको मैं लगाना स्टार्ट करूंगी। इसका स्मेल बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें एग है, तो आप लोग देख के यूज़ करना। जिन जिन लोगों को एग नहीं पसंद वो लोग एग मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग बिना भी हेयर स्मूथ हो जाएगा। अब मैं धीरे धीरे एक एक स्टिक करके निकाल के बहुत अच्छे से ये पेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूंगी। अब मेरा एक साइड तो रेडी हो गया, अब दूसरे साइड का क्लैचर खोलते हैं, दूसरे साइड भी ऐसे ही सेम टेक्निक से एक एक स्टिक निकालेंगे एंड पेस्ट लगाएंगे। Happen at all? What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be, and you know. पैक लगाना मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं इसको 1 घंटा से 2 घंटे रखूंगी। मुझे लगता है 1 घंटा भी काफ़ी है, अगर लगता है कि नहीं कुछ और ज़्यादा टाइम रखना चाहिए था तो 2 घंटा, उससे ज़्यादा तो टाइम नहीं चाहिए। तो उसके बाद मैं शैम्पू कर लूँगी, थोड़ा सा इसको ड्राई होने देते हैं, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व होने देते हैं, उसके बाद मैं शैम्पू कर लूँगी एंड शैम्पू करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मेरा फाइनल रिजल्ट। तो चलो मिलता है शैम्पू करने के बाद। फ्यू आवर्स लेटर, चुको हेयर कितना शाइन कर रहा है। अगर घर पे बना हुआ चीज पे इतना शाइन कर रहे थे तो पार्लर जाने का क्या ही जरूरत है। और बस शाइन ही नहीं करता है, हेयर बहुत ज्यादा ग्रोथ पे भी हेल्प करता है और डैंड्रफ क्लियर करता है, और कितना शाइनी और सिल्की बना है वो तो आप लोग देख ही चुके हो। तो चलो वीडियो को यही एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता है अगले वीडियो पर, टिल देन टाटा बाय बाय।